हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी बज रहे हैं 7 और कल क्या बहुत सारा मैंने का किया था काम। देखिए कुछ कुछ आपको चेंजिंग, जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं ना वो समझ रहे होंगे कि कुछ कुछ चेंजिंग है। तो कल मैंने घर की थोड़ी डीप क्लीनिंग की है, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, कपड़े फैले डले हैं, तो बहुत सारा काम अभी भी बाकी है। तो बस आज मैं वही करने वाली हूँ सारा काम, बाकी ही जो काम बचा है उसी को करूँगी। और इधर अभी हम सो रहा है, तो चलो मैं पी लेती हूँ पानी। उठो बाओ, उठ जाबे वो। चलो आपका पेपर है ना, आपको पढ़ना है ना। उठो, देखो ये लोग उठ नहीं रहा है, देखो ये लोग उठ नहीं रहा है। उठो जल्दी उठो, चलो चलो उठो, पढ़ना है आपको। उठो चलो, पढ़ाई करनी है ना, उठो। नो, नहीं सोना नहीं है बिल्कुल भी। नो, सोना नहीं है, जाओ। अब बिल्कुल ही सोना है, जितना सोना था उतना सो चुके हैं आप। चलो उठो जल्दी, उठो चलो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, हीरम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था ड्रेसिंग अरेंज करने में। अब बस वो कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि उसका है परसों पेपर, तो वो कर रहा है अपनी पढ़ाई। और ड्रेसिंग मेरी लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी टाइम से ना इतनी अनऑर्गेनाइज हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा फैली फैली सी थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, सारा सामान जो भी बेस्टेज सामान था ना मैंने सब कुछ हटा दिया। कोई मतलब नहीं है, मतलब जिस सामान को हम यूज़ ही नहीं कर रहे उसको सालों साल रखे रहे तो कोई मतलब नहीं होता। तो सारा सामान मैंने हटा दिया है, पूरी तरह से अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब क्लीन हो गई है। तो अच्छा लगता है जब घर एकदम साफ हो जाता है ना, तो मन को सुकून मिलता है। अभी देखिए मैंने पूरा ये सब कुछ अरेंज अच्छे से कर दिया है। अभी भी उस साइड जो वो एरिया वो देख रहे हो ना आप लोग, उसको भी मुझे अभी क्लीन करना है। तो बस काफ़ी समय से सोच रही थी इस कमरे को डीप क्लीन करने का, लेकिन नहीं, बस ऐसे ही सफाई कर रही थी लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने आज अच्छे से पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन किया है। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं इस कमरे को डीप क्लीन करने की, इतने टाइम से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। काम इतने ज़्यादा हो रहे थे कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने इसे अच्छे से डीप क्लीन कर दिया। कुछ तो मैंने कल किया था, आधे से ज़्यादा काम मैंने कल कर लिया था।
जो आप बेड देख रहे हो इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, सारे कपड़े इसके ऑर्गेनाइज किया है, अपनी अलमेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं जो कि बहुत बुरी तरह से फैल गई थी, इतनी बुरी तरह से फैल गई थी, अगर मैं इनका गेट खोलती थी ना सारे कपड़े मेरे ऊपर गिरते थे, बहुत बुरी तरह से फैल गई थी। तो मैंने इनको दोनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी। इस बेड को कल मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, कल मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, इतना व्यस्त थी बहुत ज़्यादा। लेकिन पूरा कमरा हो गया मेरा साफ, अब बस मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो चलो अब कर लेती हूँ उन कपड़ों को जो आपको सामने दिख रहे हैं ना फैले फैले से, उनको अच्छे से। सबसे ज्यादा कबाड़ा भर जाता है, आए दिन हम कुछ ना कुछ इसमें पटक देते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम ना इन कबर्ड को साफ करने में लगता है। तो देखो कितना सारा वेस्टेज सामान निकला है, ये सारा पूरा वेस्टेज सामान है, कुछ भी मतलब का नहीं है जो हम जोड़ते चले जाते हैं। चलो सारे कमरे की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, सारा कमरा मैंने ऊपर से लेके पूरा कमरा साफ हो चुका है, सारा कमरा अरेंज हो चुका है अच्छे से, बस सफाई रह गई है। तो बस नीचे फ्लोर की सफाई रह गई, जो फ्लोर बहुत गंदा है उसको ही बस मुझे साफ करना है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस कमरे की डीप क्लीनिंग करने की, बट लग ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज फाइनली मैंने कर लिया। बहुत ज़्यादा इतना सारा सामान अनवेस्टेड सामान इकट्ठा हो जाता है ना घर में, जितनी भी हम डेली सफाई करते रहे लेकिन जो अनवेस्टेड सामान जो इधर घुस इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, इतना सारा इकट्ठा हो जाता है ना, क्या बताऊँ मैं। तो मैंने सारा जो भी वेस्टेज सामान था मैंने सब कुछ निकाल दिया, मतलब सामान हम लोग ना बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, मैं क्या सभी लोग कर लेते हैं, तो बस सामान मेरे ख्याल से पता है सामान उतना ही होना चाहिए जिसको मेंटेन कर सक करके रख सके। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस सामान से ना घबराहट होने लगती है, चिड़ होने लगती है, तो सामान उतना ही लो जितना ज़रूरी है, फालतू का सामान इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। तो बस अब हो गया है साफ, और जो साफ साफ घर होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऊपर की हो चुकी है सारी सफाई, अब बस करने वाली हूँ मैं नीचे फ्लोर को साफ। तो मैं फटाफट नीचे के फ्लोर को साफ कर लेती हूँ। और यहाँ हिरम पड़ रहा है, तो हिरम का है पेपर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, मैं अपना काम भी कर रही हूँ साथ में हिरम को भी ध्यान रख दे रही हूँ पढ़ाई में, क्योंकि अगर हम अपने काम में लग जाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई थोड़ी ख़राब हो जाती है। इस टाइम क्या है एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो वो कर रहा है अपनी पढ़ाई और साथ में मैं कर रही हूँ अपना काम, क्योंकि घर को भी देखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी देखना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो चलो कर लेती हूँ इस फ्लोर को साफ जो कि बहुत गंदा हो गया है। कल से ये इस कमरे की सफाई ना कल से चल रही है और अब जाके एंड होने को आई है, नीचे फ्लोर रह गया है बस, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो मैं फटाफट नीचे सफाई कर लेती हूँ।
कहाँ कहाँ से जाती है। मैं डेली डस्टिंग भी करती हूँ, डेली झाड़ू भी लगा रही हूँ, डेली पोछा लगाती हूँ, फिर भी इतनी सारी धूल देखी, बहुत धूल है। तो चलो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। पूरा डीप क्लीन कर दिया है इस कमरे को, और पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग बयान नहीं कर सकती, बस आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा एकदम क्लीन है। नहीं तो इतने दिनों से मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना इस कमरे को देखकर, मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में, लेकिन आज इसको साफ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है।